हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस का इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दर्पण सूत्र की, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्पण सूत्र होता क्या है? 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। अब कोई भी ईयर, यानी कि कोई भी ऐसा साल नहीं गया है कि जिस साल इस दर्पण सूत्र पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछा गया, ठीक है। तो इस सूत्र पर हर साल आपके एग्जाम में 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सूत्र बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, जिससे सारी चीजें समझ में आ जाए और साथ ही साथ हम आपको जो है इस पर जो है तुरंत एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे, देखो, इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, कैसे इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है, ठीक है। या इससे न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये चीज भी आज के वीडियो में बताया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, साथ ही साथ जल्दी से सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दो, ठीक है। और जो भी अभी तक वीडियो को बेटा लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दो, ठीक है। जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए इस सेशन को, उसके बाद चलिए हम बात करते हैं। चलो, अगर हम बात करें आपके दर्पण सूत्र की, तो जो दर्पण सूत्र होता है वो क्या होता है? दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र की अगर हम बात करें तो ये 1/f = 1/v + 1/u, जहां पे f क्या है, f जो है ये दर्पण की फोकस दूरी है। ये क्या है? दर्पण की फोकस दूरी है। क्या है? दर्पण की फोकस दूरी है। और v क्या चीज है? v जो है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, यानी प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनता है। v जो है, या v से पहले आप u की बात कर लो, u क्या है? ये दर्पण से वस्तु की दूरी, ये दर्पण से वस्तु की दूरी है। किसकी है? दर्पण से वस्तु की दूरी। और जो v है ये क्या है? ये b आपका दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक, आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए अगर ये आपका कोई दर्पण, ठीक, ये आपकी मुख्य अक्ष, अब इसके सामने कोई वस्तु इस प्रकार से रखा हुआ है, ये वस्तु ए भी, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए, परावर्तन के पश्चात ये कहां से लौट जाएगी? सीधे सीधे फोकस से लौट जाएगी, ठीक है। यहां से ये आपका फोकस है। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। कहां से जाएगी? वक्रता केंद्र, यानी कि सी से होकर जाएगी, ठीक। जिस रास्ते पे गई उसी रास्ते पर वापस लौट आई, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सभी प्रकाश किरणें वो क्या होती हैं? हमेशा परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तो यहीं पर इसका वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। अब ध्यान से समझो, यहां पर अगर हम यू की बात करें, यू, यू क्या चीज है? ये जो दर्पण है, ये जो दर्पण का ध्रुव है पी, यहां से लेकर यहां तक ये आपका क्या है? ये वस्तु है, और इसी को हम बिंब भी बोलते हैं, ठीक है। आपके बुक में ये बिंब लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? बिंब, या कहीं कहीं वस्तु लिखा मिलेगा, वैसे ज्यादातर बिंब लिखा हुआ मिलेगा, ठीक, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ध्रुव से आपके जो वस्तु की दूरी है इसको हम बोलते हैं u, इस किससे लिखते हैं u, और ध्रुव से जो प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज यहां बन रही है, तो ध्रुव से यहां तक की जो दूरी है बेटा, यहां तक की, इसे बोलते हैं v, ठीक। और जो ध्रुव है p, यहां से जो आपका फोकस है f, यहां से यहां तक की जो दूरी है फोकस की, ठीक है, फोकस जो बिंदु है आपका, फोकस बिंदु की दूरी जो होती है उसे किससे लिखा जाता है? स्मॉल f से, ठीक है। ये जो कैपिटल F आपका होता है, जो फोकस बिंदु होता है, ठीक है, आई बात समझ में। और
फोकस, दूरी और वक्रता त्रिज्या, यानी यहां से लेकर यहां तक सी तक की जो दूरी है, ठीक है, पी से लेकर सी तक की जो दूरी है इसे हम लिखते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसे लिखते हैं कैपिटल आर से, और पी से लेकर जो एफ तक की दूरी है यानी कि पी से लेकर एफ फोकस बिंदु की, इसे लिखते हैं स्मॉल एफ। और इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में जो संबंध है वो फोकस दूरी एफ बराबर जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, आई बात समझ। तो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती बेटा? आधी होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। देखो इसका प्रूफ जो है, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है, इसका जो प्रूफ है वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, बस केवल फार्मूला है, बस केवल फार्मूला है। ठीक है, चलिए फार्मूला समझ में आ गया। फार्मूला क्या है? वन अपान एफ इजकल टू वन अपान V प्लस वन अपान यू। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, और इसमें कभी कभी इसका भी यूज होता है। ये क्या है? ये फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की अगर हम बात करें तो फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है, इसको भी लिख दे रहा हूं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, ये चीज है। अब इतने नहीं हमें और भी जरूरत है। क्या जरूरत है? अब यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और चीज आता है, चिन्ह परिपाटी का नियम। क्या चीज? चिन्ह परिपाटी का नियम। चिन्ह परिपाटी का नियम ये क्या? इसको जरा देखो। जैसे मान लो, अच्छा चलिए सबसे पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर वो भी चिन्ह परिपाटी के नियम की हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, जो भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, आप सभी लोग शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोगों के लिए वैसे भी गुड न्यूज है कि जो आपके शुभम क्लासेस का जो ऐप था, ठीक है, वो पूरी तरीके से शायद अपडेट हो गया है। ठीक है, शायद अपडेट हो गया है, और साथ ही साथ जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बार की बोर्ड परीक्षा यानी कि 2023 की बोर्ड परीक्षा में शुभम क्लासेस के टॉप 100 से बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अंक स्कोर किए हैं। तो इस तरीके से बच्चों, आप भी बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अंक स्कोर कीजिए, और अगर अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं तो बैच से जुड़ जाइए, जिसकी प्राइस मात्र 1499 रुपए है, और ये वन टाइम पेमेंट है। अगर एक बार आप पेमेंट कर दिए तो फिर आपको दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि साल भर आप फ्री में पढ़ सकते हैं, और एग्जाम तक आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं। जितने भी बैच आपके एग्जाम तक बनेंगे हर एक बैच में आपको फ्री में ऐड कर दिया जाएगा, और किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं। बैच की क्या खास बात है? बैच के अंदर यानी ऐप के अंदर आपको मिलेगी लाइव क्लास, साथ ही साथ हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस सेट, नोट्स मिलेगा, नोट्स भी तीन टाइप के, स्मार्ट क्लास नोट्स, पीडीएफ नोट्स और हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको पिछले 3 साल के पेपर और साथ ही साथ उसका सोल्यूशन भी मिलेगा, और हर संडे आपको टेस्ट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं चिन्ह परिपाटी के नियम की। जैसे मान लो बेटा, ये आपका कोई दर्पण, ठीक है, और ये हमने मान लिया हमारा क्या है? एक्सिस है। ठीक, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स डैश, और ये है आपका वाई डैश। ठीक है, एक्सिस के बारे में तो आपको पता होगा, ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई वाई डैश। इस पर जो भी दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, इधर जो दूरी होती है नेगेटिव होती है। y पे जो ऊपर की तरफ होती है प्लस होता है, नीचे की तरफ जो होता है वो क्या होता है? माइनस होता है। नीचे की ओर क्या होता है? माइनस होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अगर ये दर्पण मान लो हमारा ये कोई अवतल दर्पण इस प्रकार से रखा हुआ है, इसका जो ध्रुव है, दर्पण का जो ध्रुव है वो हमारा कहां? मूल बिंदु पर है। कहां है? मूल बिंदु पर। ठीक, ऐसा मान लिया जाता है। ठीक, तो अगर मूल बिंदु पर है तो इस दर्पण के सामने हम जो भी वस्तु रखेंगे कहां रखेंगे? एक्स एक्सिस पर या एक्स डैश पर? एक्स डैश पर रखेंगे ना। यहां पर वस्तु का
वस्तु रखा जाएगा। तो जब वस्तु को हम यहां पे रखेंगे तो जब यहां से इसकी दूरी हम नापेंगे तो इसकी दूरी क्या है, ये आपका क्या है, वस्तु है, वस्तु, ठीक। तो वस्तु कहां हमारा, दर्पण के बाई साइड, ये आपका दर्पण है, दर्पण के बाई साइड है, और बाई साइड यानी एक्स डैश है, तो एक्स डैश की जो दूरी होती है वो नेगेटिव होती है, यानी जो बाई साइड दूरी नापी जाएगी वो माइनस में नापी जाएगी, किसमें नापी जाएगी, माइनस में, ठीक है। अगर प्रतिबिंब भी हमारा इसी साइड बनेगा, दर्पण के बाएं साइड ही अगर आपका प्रतिबिंब बनेगा तो वो भी क्या होगा, नेगेटिव में लिया जाएगा, यानी अगर मान लो प्रतिबिंब यहां कहीं बन रहा है, ये इमेज बन रहा है, ये आपका इमेज बन रहा है, तो यहां तक की जो दूरी है ये माइनस भी लिखी जाएगी, ठीक है, आई बात समझ में, यहां से यहां तक क्या माइनस यू, और यहां से यहां तक वी लिखी जाएगी, माइनस वी, ठीक है, क्यों, क्योंकि दर्पण के बाई ओर है। अगर यही प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे यानी कि दाहिनी तरफ बनेगा, दाहिनी तरफ बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा, यानी कि हम तब वी को प्लस लिखेंगे, वी को क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक। और एक चीज, ये जो वस्तु की लंबाई है, जो वस्तु की लंबाई है यानी इसकी जो हाइट है, जो ए बी है, जो ए बी की हाइट है, ये प्लस में लिखी जाएगी, कैसे लिखी जाएगी, प्लस में लिखी जाएगी, क्यों प्लस में लिखी जाएगी, क्यों, क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ है, यानी कि जो हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष ये हमारी क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो दर्पण के लिए मुख्य अक्ष का काम कर रहा है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी दूरी हम नापेंगे सब प्लस में नापेंगे, और मुख्य अक्ष के नीचे जितनी भी दूरी नापेंगे वो माइनस में। अगर जैसे मान लो ये जो वस्तु है, वस्तु की दूरी अगर 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5, तो वस्तु की हाइट को यस से लिखते हैं, यस बराबर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसको लिखते हैं एच डैस, प्रतिबिंब को लिखते हैं एच डैश, तो एच डैश बराबर कितना हो जाएगा आपका, एच डैश बराबर आपका हो जाएगा, अगर मान लो इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है तो ये -3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ है, क्या है, मुख्य अक्ष के नीचे, ठीक बात, आगे बात समझ में, बोलो इतनी बात बेटा समझ में आ गई आप सभी को, हाँ या ना, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, कोई भी दर्पण हो, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, दर्पण के बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर अगर कोई भी दूरी हम नापेंगे तो वो माइनस में होगी, और दाहिनी तरफ कोई भी दूरी नापेंगे तो वो प्लस में होगी, ठीक। और ये जो मुख्य अक्ष वाली लाइन है, मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी दूरी नापेंगे प्लस, और जो नीचे नापेंगे वो माइनस, बस इतनी सी बात है। अब इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता की बेटा अगर बात की जाए, ठीक है, इसका नोट्स जो है हम ऐप पे डलवा देंगे, पूरा लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, इसका जो नोट्स है हम आपके ऐप पर, यानी शुभम क्लासेस का जो ऐप है टॉप 100 बैच, उसके अंदर डलवा देंगे, सारी चीजें वहां पर लिखी रहे, बस यहां पर आप समझने पर ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि समझोगे ज्यादा काम आएगा। आवर्धन क्षमता की बात करें तो आवर्धन क्षमता को हम लोग लिखते किससे, m से, और ये होता क्या है, आवर्धन क्षमता m बराबर आपका होता है प्रतिबिंब की लंबाई, ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, h डैश है, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और बटे में वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, ये फार्मूला होता, यानी m बराबर हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई हमारी कितनी है, h डैश, और वस्तु की लंबाई कितनी है, h, या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता, प्रतिबिंब को हम इमेज बोलते हैं यानी i, वस्तु को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं यानी o, ठीक। और ये एक और फार्मूला होता है, ठीक है, हालांकि प्रूफ नहीं है, नहीं तो कराया जाता, एच डैश बाई एच या आई बाई ओ बराबर होता है माइनस वी अपान यू, यानी कि अगर हमें आवर्धन क्षमता निकालनी है तो आवर्धन क्षमता का एक और फार्मूला होता है, और वो क्या है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और बटे वस्तु की दूरी के अनुपात को हम दर्पण का जो है आवर्धन क्षमता कहते हैं, और माइनस चिन्ह लगा देना है, ठीक है, माइनस साइन लगा देना, ठीक, आगे बात समझ में, क्लियर हो गया यहां तक। तो अब एक बार फिर से फार्मूले पे जरा नजर डाल लें, तो फार्मूला हमारा क्या है, दर्पण सूत्र क्या कहता है भाई, 1/f = 1/b + 1/u, 1/b + 1/u, ठीक, क्लियर।
एफ क्या है फोकस दूरी, यू क्या है दर्पण से वस्तु की दूरी, वी क्या है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब फट से इस पर एक करते हैं बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व। चलो जैसे ये रहा आपके सामने एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, यानी कि 4 सेंटीमीटर साइज का कोई वस्तु जो है किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, दर्पण से कितनी दूर पर पर्दा रखा जाए कि उस पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब बने। तो सिंपल सी बात है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा पर्दा हम वहीं रखें तभी तो उस पर साफ साफ प्रतिबिंब बनेगा। अगर प्रतिबिंब जहां बन रहा वहां से हम आगे पीछे रखेंगे तो प्रतिबिंब साफ नहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब जहां बन रहा, यानी कुल मिला के हमें प्रतिबिंब की दूरी यानी कि वी का मान निकालना है। और यू, यू दिया है, बिल्कुल दिया है, जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है वही है यू। कितना है यू? 25 सेंटीमीटर। दर्पण से प्रतिबिंब को कितनी दूर रखा गया? 25 सेंटीमीटर, तो ये दूरी हो गई। फोकस दूरी दर्पण की दे रखी है ऑलरेडी। ठीक, चलो सबसे पहले इसमें देखो क्या क्या दिया है वो नोट कर लो। दिया है एफ बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक, यू बराबर -25 सेंटीमीटर। कैसे माइनस होगा ध्यान से देखो, यह है बेटा आपका अवतल दर्पण, ठीक है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये है आपकी मुख्य अक्ष, ये है आपका वक्रता केंद्र सी है, यहां कहीं आपका फोकस होगा एफ। ठीक है, अब जो वस्तु है, जो वस्तु है उस वस्तु को यहीं कहीं रखा गया, यहीं पर, ठीक है, यहीं कहीं रखा गया। तो जो वस्तु है, वस्तु को दर्पण के किधर रखा गया है? बाईं साइड। ये दर्पण है, ये बायां साइड होता है, ये दायां साइड, दर्पण के बाईं साइड। तो दर्पण के अगर बाईं साइड रखी गई है तो ये दूरी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक, और जो वी है, वी बराबर हमें निकालना है। अब फार्मूला अप्लाई कर लो, फार्मूला अप्लाई कर लो। तो ये तो हो गया बेटा यू, ये आपका ध्रुव पी है यहां से लेके ये। ठीक, चलो अब देखो फार्मूला, 1 upon f = 1 upon v + 1 upon u, 1 upon f = 1 upon v + 1 upon u, 1 upon f, f का मान कितना? 15। ये 15 प्लस में होगा, माइनस में? माइनस में। क्यों? क्योंकि f भी आपका जो है बाई साइड है, तो ये भी माइनस में है। ठीक, -15 = 1/v और +1/u का मान कितना है? -25। ठीक, तो अब ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस हो गया माइनस, यानी कि -1/15 = 1/b और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, -1/25। ये इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/25 और ये जो माइनस पहले से है ये माइनस ऐसे ही रहेगा, 1/15 = 1/v। अब बेटा इसको कर लो सॉल्व, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 15 × 5 = 75, 25 × 3 = 75, एलसीएम हो गया हमारा 75। तो 25 का कई गुना है? 3 गुना, 25 × 3 = 75, तो ऊपर हो गया 3, बीच में माइनस चिन्ह माइनस। ये 15 का कई गुना है? 15 × 5 = 5 गुना है, तो 5 = 1/v। कितना आ गया? 3 में से 5 घटाओगे 2, और बड़ा कौन है? 5, 5 के सामने चिन्ह कौन सा? माइनस का, तो चिन्ह लग जाएगा माइनस, माइनस का 2/75 = 1/v, 1/v। तो v बराबर, ये 1/v है तो हम इसको उलट दें तो ये भी उलट जाएगा। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा? -75/2। v बराबर कितना हो गया? -75/2। इसको काटोगे तो कितना आएगा? 37.25 सेंटीमीटर। कितना आएगा? -37.25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। तो ये जो आई, ये क्या आ गई? प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि दर्पण से हम 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बाई साइड पर्दे को रखेंगे, यानी कि यहां कहीं जो है आपका ये प्रतिबिंब जो है वो बनेगा इस प्रकार से। ठीक है भाई, देखो 15 सेंटीमीटर यहां से यहां तक है 15 सेंटीमीटर। ठीक, और जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी का 2 गुना होता है, यानी लेके यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा? टोटल 30 हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब 37 चाहिए तो 30 से थोड़ा आगे यही कहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, आगे बात समझ में।
और एक चीज पूछ, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, v का मान क्या आया है? नेगेटिव। अगर नेगेटिव आया है तो जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी। क्या होगी? वास्तविक होगी। ठीक, क्या होगी? वास्तविक होगी। ठीक है, अगर ये प्लस में आ जाता, प्लस में आने का मतलब दर्पण के पीछे बनता, दर्पण के पीछे, और दर्पण के जब पीछे बनता तो वो क्या होता? आभासी। ठीक है, आएगी बात समझ में? प्रतिबिंब बनने के नियम में ये चीज बताया गया ना कि कब प्रतिबिंब आभासी होता है, कब वास्तविक होता है। अगर दर्पण के पीछे है तो आभासी, और दर्पण के इस साइड है तो वास्तविक। ठीक है, चलिए वास्तविक हो गया। एक और चीज पूछा, साइज यानी इसकी हाइट क्या होगी। अब एक चीज आपको दिया हुआ, जो वस्तु है इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर, यानी जो h है इसका मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो चलो आवर्धन क्षमता के फार्मूले से इसको निकालते हैं। आवर्धन क्षमता का फार्मूला m बराबर क्या होता है? हाइट यानी कि इमेज की हाइट, या इसको ऐसे लिखते हैं h डैश अपान h बराबर, एक और फार्मूला होता है माइनस v अपान u, माइनस v अपान u। अब सबका मान रख लो, h डैश बराबर h इक्वल टू v, v का मान कितना बेटा? माइनस, माइनस एक पहले से बाहर है, एक माइनस और, 37.25, अच्छा 2.5 नहीं होगा, 5 होगा, सॉरी 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माइनस 37.5 बटे यू, यू का मान कितना है? माइनस 25। ठीक है, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि h डैश अपान h बराबर आया -37.5 बटे में 25। तो h डैश बराबर कितना हो जाएगा? h से इधर भाग इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, -37.5। ठीक, बटे 25 और गुणे में h। अब h का मान दिया है, h बराबर कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो h का मान रख दो, -37.5 गुणे 4 और बटे में 25, बटे में 25। ठीक है, काटोगे कट जाएगा, कितना आएगा? देखो 37 को कितना लिख सकते हैं? 37 को हम लिख सकते हैं 75/2। कितना लिख सकते हैं? 75/2। ठीक है, यानी कि देखो अगर हम 37 में, अगर हम 37 में 4 का गुणा कर दें तो कितना आएगा? देखो h डैश बराबर यही ना आया है, -37.5 × 4 और बटे में 25। 37 से इसमें गुणा कर दें तो ये आएगा 150। कैसे? देखो 4×5=20, हासिल 2, 7×4=28, 2×28=30 के शून्य, हासिल 3, और 4×3=12, 3×15। एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव हो गया नीचे 25, तो कितना आ गया है? -150/25। अब कितनी बार कटेगा? 25×4=100। ठीक, 25×5=125, 25×6=150। कितना जाएगा? -6। कितना आएगा? -6। तो जो प्रतिबिंब की हाइट है वो कितनी आएगी? -6 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है? प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगी। कहां बनेगी? नीचे की ओर। कितनी बड़ी बनेगी? वस्तु 4 सेंटीमीटर था, प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर बड़ी बन रही है, 2 सेंटीमीटर बड़ी बन रही है। ठीक है, अगर बड़ी बन रही है तो सिंपल सी बात है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आवर्धित। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से क्या करना है, आप सभी को सवाल लगाना है। चलिए, आप लोगों के बुक में बेटा जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे दर्पण सूत्र वाले, दर्पण सूत्र का क्वेश्चन आप सभी लोग अवतल दर्पण वाला पूरा सॉल्व कर लेना, उत्तल वाला हम एक क्वेश्चन उत्तल का भी बता देंगे, फिर उसके बाद आप लोग उत्तल का सॉल्व करिएगा। ठीक है, पहले आप सभी लोग अवतल दर्पण वाला पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर जो है कल के वीडियो में हम आपको उत्तल दर्पण वाला बताते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, फिर मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।